अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप दैट यू ऑल आर फाइन। एंड टुडे आवर टॉपिक इज फैक्टर्स HCF और ये हम एक्सरसाइज 2E में पढ़ेंगे। तो हमारा क्वेश्चन 4 है, तो वो है राइट द फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर्स ऑफ द पेयर्स ऑफ नंबर्स एंड सर्कल द कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है ए है, वह 10 और 18 के हम फैक्टर बनाएंगे। 18 के जब भी हम फैक्टर बनाएंगे तो हमेशा हम स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से स्टार्ट करेंगे। वी हैव टू स्टार्ट विद द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ओके। एंड वी हैव 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी द वैल्यू, इफ एट द लास्ट ऑफ वैल्यू देयर इज 2, 0, 2, 4, 6, 8, देन इट्स मीन कि वो 2 के टेबल में लाजमी आएगा, ओके। सो जो 18 है वो 2 के टेबल में आता है, 2 × 9 = 18, ओके। आफ्टर दैट आप देखें 9 2 के टेबल में कभी भी नहीं आता, ओके। 2 के टेबल से आप आगे देखेंगे, आगे हमारे पास प्राइम नंबर कौन से हैं, क्योंकि जब भी हम फैक्टर्स बनाते हैं हम प्राइम नंबर से ही बनाते हैं। तो आगे देखें 9 है, तो 9 2 के टेबल में तो नहीं आ सकता। तो आप इसके बाद देखेंगे 3 के टेबल में, 3 × 3 = 9 एंड 3 × 1 = 3। तो ये आपका 18 के प्राइम फैक्टर्स बन गए हैं, ये अपने फैक्टर्स बन गए हैं। इसके बाद आप देखें 10 लास्ट में 0, तो इट्स मीन 2 के टेबल में आएगा, ठीक है। 2 × 5 = 10, तो 5 जैसे कि आपको पता है ये प्राइम नंबर, ये खाली अपने ही टेबल में आता है। सो इट्स मीन के 5 × 1 = 5, ओके। आफ्टर दैट वी हैव टू मेक अ फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर 18। 18 में क्या फैक्टर बने थे, 1 3 3 2 1 3 3 2। आफ्टर दैट आप देखें 10 के कौन कौन से फैक्टर बने, 10 के हमारे पास 1 5 2 1 2 5 या 5 2 लिखें, इट्स नॉट अ इशू, ओके। सो हमारा क्वेश्चन यही था कि हमने सबसे पहले फैक्टर्स बनाने हैं, फैक्टर्स बनाने के बाद हमने उसे सर्कल करना है। हमने फैक्टर बना के उन्हें सर्कल कर दिया, जो कि हमारे पास कॉमन फैक्टर थे। इसमें ना ही 3 के नीचे कहीं पे 3 है कि ये कॉमन हो, ना 5 के ऊपर 5 है कि यहाँ पे कोई 5 का कॉमन ऑफ है, ओके। आफ्टर दैट सी द क्वेश्चन नंबर बी, 12 एंड 1। सो हम सबसे पहले 12 के फैक्टर्स बनाएंगे, 2 6 = 12, 3 2 = 6, 2 1 = 2, ओके। तो यहाँ पे मैंने इसके फैक्टर बना लिए, फैक्टर बनने के बाद तो यहाँ पे भी वहाँ पे हमने बाय मिस्टेक 3 लिया, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ओके। और जो 1 के फैक्टर है वो तो 1 का फैक्टर 1 ही स्पेस हमेशा बनेगा, तो हम 1 के नीचे 1 लिख लेंगे ये, क्योंकि 1 का फैक्टर बनेगा और 12 के फैक्टर्स बना लेंगे। तो इसमें आपके 1 ही कॉमन है, इसके इट्स मीन के यहाँ पे 1 के फैक्टर बन जाएंगे, ओके। आफ्टर दैट कम टू द क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर डी की तरफ आए। हमने इसमें हमारे पास 2 वैल्यूज हैं, 50 एंड 25, ठीक है। जो हमने 50 के फैक्टर्स बनाने, आफ्टर दैट वी हैव टू मेक अ फैक्टर ऑफ 25, देन कम टू द 50। व्हाट इज 50? 50 एक आपका कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो हम हमेशा, मैंने आपको पहले ही बताया कि हमेशा हम छोटी छोटे प्राइम नंबर से स्टार्ट करेंगे। सो वी हैव टू, ओके। एंड अगर वैल्यू क्लास में 0, 2, 4, 6, 8 हो गए, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि हम मोस्टली 2 के टेबल से ही करते हैं। तो जब लास्ट में 0 देट्स मीन ये 2 के टेबल में आएगा, 2 2 = 4, 1 आगे कैरी चला गया तो ये आपको बन जाएगा 10, 2 5 = 10, ओके। आफ्टर दैट 25, 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में नहीं आता, इसके बाद 5 आता है, तो 5 × 5 = 25, तो 5 के टेबल में आता है, तो हमने कहा 5 × 5 = 25। आफ्टर दैट वी हैव 5 × 1 = 5, ओके। एंड सेकेंड वैल्यू 25 में जैसे हमने यहाँ पे पहले भी सॉल्व किया, ठीक है, 5 5 1 5 5 1, तो ये एज इट इज़ हम वही लिख लेंगे, या तो 5 × 5 = 25, 5 × 1 = 5, ओके। इसके बाद हम इसके जो फैक्टर्स बन रहे हैं हम उन्हें लिख लेंगे। आफ्टर दैट वी विल सर्कल अ कॉमन फैक्टर, हेयर इज 1 5 एंड 5, क्योंकि 2 के नीचे 2 होता है, या फिर यहाँ पे कहीं पे 2 से मल्टीप्लाई हो रहा होता, तो यहाँ पे हम नीचे 2 के फैक्टर बनते हैं, जिसकी वजह से हम उसको 2 लिखते हैं। लेकिन अब हमारे पास नहीं है, तो इट्स मीन हमारे पास ये 3 बन रहे हैं, जो कि हमारे पास क्या है, कॉमन फैक्टर है, ओके। हमने सर्कल भी कर दिया क्योंकि हमारे क्वेश्चन की डिमांड यही थी। आफ्टर दैट देयर इज योर क्वेश्चन नंबर एफ, पार्ट नंबर एफ, 14 एंड 21। 14 के लास्ट में 4 है, इट्स मीन 2 के टेबल में आएगा, 2 × 7 = 14, 7 × 1 = 7, ओके। क्योंकि 7 एक प्राइम नंबर है जो कि खाली अपने ही टेबल में आता है और किसी भी टेबल में नहीं आता। आफ्टर दैट देयर इज 21, तो 21 आप देखें 3 के टेबल में आता है, 3 × 7 = 21, 7 एक आपका प्राइम नंबर है, 7 × 1 = 7, ओके। सो जो इसके फैक्टर बन रहे हैं वो हम फैक्टर लिखेंगे। आफ्टर दैट वी हैव टू सर्कल अ कॉमन फैक्टर, हेयर इज 1 एंड हेयर इज 7, बाकी कोई इसका कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इट्स मीन्स का आंसर क्या आएगा, 1 एंड 7, ओके। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था, एंड द रिमेनिंग क्वेश्चन विल बी योर होमवर्क।
एंड कम टू आर द क्वेश्चन नंबर फाइव एंड क्वेश्चन इज फाइंड द आईसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द नंबर। हमने यहाँ तक खाली नंबर्स के हमने क्या निकाले थे, पेयर्स निकाले थे और उनके कॉमन फैक्टर्स निकाले थे, ठीक है। लेकिन आफ्टर दैट जब हम यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, हमने ये दो काम तो करने ही करने हैं। वी हैव टू मेक फैक्टर्स, वी हैव टू सर्कल द कॉमन फैक्टर्स, ओके। आफ्टर दैट हमने एचसीएफ भी निकालना है, एचसीएफ। एचसीएफ इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये आपका एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। मैं आपको अभी यहाँ पे इसके कॉन्सेप्ट देता हूँ कि इसे हम किस तरह यूज़ करते हैं। इसमें हम सीएफ भी यूज़ करते हैं जो कि हमारा कॉमन फैक्टर्स होते हैं। सिंपल एचसीएफ जो हम ये जो हम नंबर्स को ब्रेक्स करते हैं, आफ्टर दैट वी कैन परफॉर्म द मैथड ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ बोथ, जब हम इनको ब्रेक डाउन करते हैं उसके बाद। सो द क्वेश्चन इज 32 एंड 24। हमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक द फैक्टर्स ऑफ दिस टू नंबर्स, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल 32, 2 1 2, 1 यहाँ पे आएगा, यहाँ पर 12 बन जाएगा, 2 into 6, 12, ओके। एंड फिर लास्ट में 6 है, इट्स मीन 2 के टेबल में आएगा, 2 into 8, 16। फिर 8 है, इट्स मीन 2 के टेबल में आएगा, 2 into 4, 8। फिर 4 है, इट्स मीन 2 के टेबल में आएगा, 2 into 2, 4। फिर 2 है, इट्स मीन 2 के अपने टेबल में आएगा, 2 into 1, 2। आफ्टर दैट वी हैव 24। तो हम जब 24 को देखेंगे तो सबसे पहले देखेंगे इसके लास्ट में क्या है, देयर इज 4, इट्स मीन इट विल कम इन द टेबल ऑफ 2, 2 into 1, 2, 2 into 2, 4, 24 आ गया, ठीक है। 2 into 6, 12, 2 into 3, 6, एंड 3 into 1, 3। जो हमारे पास नंबर्स आ गए हैं हमने इनके फैक्टर्स बना लेने हैं। वी हैव टू मेक द फैक्टर ऑफ दिस नंबर 32 के, 1, 2, 2, 2, 2 and 2, 1, 2, 2, 2 and 2, मतलब 5 है तो 5 टाइम लिख लिया हमने। और यहाँ पे 1, 3, 2, 2, 2, 1, 3, 2, 2, 2, ओके। सो जो इनमें से आपस में कॉमन है वी हैव टू सर्कल, ओके, दैट वन एंड दैट वन। वी इसके बाद हम सी एफ बनाएंगे। वट इज सी एफ? सी एफ इज अ कॉमन फैक्टर, कि कौन कौन सी ऐसी वैल्यूज हैं जो कि इसमें कॉमन आ रही हैं, हमने उसका क्या बनाना है, उसके फैक्टर्स बना लेंगे, ठीक है। इसे कहते हैं कॉमन फैक्टर। हमने कॉमन फैक्टर बना दिए 1, 2, 2 and 2। अब एच सी एफ क्या है, जो हमारे पास कॉमन फैक्टर्स हैं उनको हमने आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। 2 into 2, 4, 4 into 2, 8, ओके। सो ये इसका एच सी एफ आ गया है, इस तरह इसका एचसीएफ निकालते हैं। और जो इसका दूसरा क्वेश्चन है वो है डी पार्ट है। डी पार्ट में क्या पूछा गया है, 42 एंड 70। एज इट इज़ वही काम करना है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है। वी हैव टू मेक द फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर्स, आफ्टर दैट वी हैव टू सी दैट हाउ मेनी कॉमन फैक्टर्स आर देयर, आफ्टर दैट वी विल मल्टीप्लाई दैम एंड दैट विल बी आवर एचसीएफ, ओके। सो 42 लास्ट में 2 है, इट्स मीन इट विल कम इन द टेबल ऑफ 2, 2 into 2, 4, 2 into 1, 2, 21 आ गया, 21 2 के टेबल में नहीं आता तो ये 3 के टेबल में आता है। और ये ना सोचें कि हम इसे 4 के टेबल से करेंगे या 6 से, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कभी भी कंपोजिट नंबर हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे, वी हैव टू यूज़ अ प्राइम नंबर, ओके। 3 into 7, 21 and 7 into 1, 7, ओके। 2 into 3, 6 एंड यहाँ पे 1 कैरी चला गया, इट विल कम 10, ओके। 2 5 10। फिर आप देखें कि जो 35 है ना वो 2 के टेबल में आता है ना 3 के टेबल में आता है, हाँ 5 के टेबल में आता है, 5 into 7, 35। जो 35 7 है वो जस्ट कम इन इट्स ऑन टेबल, तो 7 into 1 is 7, ओके। देन मेक द फैक्टर्स ऑफ देम, इसके सारे सारे फैक्टर बना दें जो एक जैसे हैं, उन्हें आपने सर्कल कर लेना है, ठीक है। ये एक जैसे थे, हमने इसे सर्कल करने के बाद हमने इसका सी एफ बना दिया है जो कि हमारे कॉमन फैक्टर्स हैं। फिर कॉमन फैक्टर्स को आपस मल्टीप्लाई किया है, 2 into 7, 14, जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 14 ही रहेगा। ये आपका आज का लेक्चर था, ओके। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो अगली वीडियोज में मिलते हैं, थैंक यू।